Hi friends, today we will learn class 6 NCERT science book chapter 4 sorting materials into group. This is part 3, so let's start. We have the words full and close. Soluble or insoluble activity for collect sample of some solid substance such as sugar, salt, chalk powder, sand and soda. कुछ solid object के sample लेने हैं, जैसे chalk powder लेना है, sugar, salt और soda जो मतलब लकड़ी होती है ना उसका बुरादा. Take 5 glasses और beakers. आपको 5 glass लेने हैं या 5 tumblers. Fill each one of them about 2/3 with water. आप इनमें से सबको 2/3 भर दो पानी से. ऐड स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल ऑफ शुगर टू दी फर्स्ट ग्लास. जो फर्स्ट ग्लास है उसमें 1 चम्मच भर के चीनी डाल दो. सॉल्ट टू दी सेकंड ग्लास. सिमिलरली ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लास. फिर दूसरे में सॉल्ट डाल दो और ऐसे ही करके सभी ग्लासेस में थोड़ा थोड़ा अमाउंट सभी सब्सटेंस का डालना है. स्टीर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद स्पून. आप इन सभी सब्सटेंस को मिक्स कर दो स्पून की हेल्प से. वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स. कुछ मिनट्स के लिए वेट करो. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर. फिगर 4.4 देखो, ये जैसे फिगर 4.4 में दिखाया गया है वैसे जो मटेरियल्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है. नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3. जैसा कि ये टेबल 4.3 में दिखाया हुआ है वैसे अपनी लिखनी है ऑब्जर्वेशन. जैसे कि चॉक पाउडर है वो उसमें सोल्यूबल नहीं है तो ये इनसोल्यूबल है. इनसोल्यूबल इन वाटर. शुगर डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर. सैंड इज इनसोल्यूबल एंड सोडा इज ऑल्सो इनसोल्यूबल. You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. जो कुछ सब्सटेंस है वो इनमें से कुछ तो है जो कम्प्लीटली गायब हो गए, पूरे डिसअपियर हो गए इनमें से, और कुछ मतलब एक तरह से डिजोल्व हो गए इनमें. वी से डैट दी सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन वाटर. हम कह सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस है वो वाटर में सोल्यूबल है. अदर सब्सटेंसेज डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टीर फॉर अ लॉन्ग टाइम. और इनमें से जो सब्सटेंस सोल्यूबल नहीं, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा देर भी स्टीर करते तो वह फिर भी डिसअपियर नहीं होते. दीज सब्सटेंस आर इनसोल्यूबल इन वाटर. ये जो सब्सटेंस है वो वाटर में इनसोल्यूबल है. वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस. डू लिक्विड ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर. हमारा जो वाटर है वो हमारी बॉडी में बहुत अच्छा रोल करता है क्योंकि जो कुछ सब्सटेंस है वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और जो कुछ लिक्विड हैं वो वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं. तो आप आंसर कमेंट करना. नाउ एक्टिविटी टाइम. एक्टिविटी 5. कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, कैरोसिन और एनी अदर लिक्विड. आपको कुछ सैंपल लेना है. विनेगर के 2 टाइप्स के विनेगर होते हैं, एक नॉर्मल विनेगर और एक एप्पल विनेगर लेना है. लेमन जूस लेना, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल और कैरोसिन वगैरह आप कुछ भी ले सकते हो और कुछ ऑब्जेक्ट भी. मतलब फिर आप और लिक्विड. टेक अ ग्लास टम्बलर, फिल इट अप टू हाफ विद वाटर. आप एक ग्लास टम्बलर लो और उसको आधा भर लो पानी से. ऐड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दीज एंड स्टीर इट वेल. तो जैसे आप विनेगर उसकी 5 to 6 स्पून भर के उसमें डाल दो और उसको अच्छे से स्टीर करो, मिक्स करो. मतलब लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स. इसको 5 मिनट्स रुकने दो. ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स विद वाटर, जैसा फिगर 4.5 में है. क्या ये जो कुछ लिक्विड है कुछ तो मिक्स हो जाएंगे और कुछ नहीं होंगे, जैसे ऑयल नहीं होगा. क्या ये जो विनेगर है वो इसमें मिक्स हो गया? तो आपको ट्राई करना है. रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड एज मैनी डिफरेंट लिक्विड एज आर अवेलेबल टू यू. राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4. तो आपको ये अलग अलग चीज़ों से करना है और अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो अपनी टेबल 4.4 में लिखनी है. ऐसे इधर वी नोटिस दैट सम लिक्विड गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर। हम ये देखेंगे कि जो कुछ लिक्विड हैं वो कम्प्लीटली इस वाटर में मिक्स होगी। सम अदर्स डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर वैन कैप्ट असाइड फॉर सम टाइम। और कुछ हैं जो लिक्विड मिक्स नहीं हुई और अपनी एक लेयर बना ली जब वो एक थोड़ी देर के लिए रखी गई। सम गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। जो कुछ गैसेज होती हैं वो वाटर में सोल्यूबल होती हैं और कुछ नहीं होती। वाटर यूजली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेज डिजोल्ड इन इट। जो वाटर होता है उसके पास खुद की कुछ गैसेज की क्वांटिटी होती है जो इसमें डिजोल्व हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजोल्ड इन वाटर इन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेवरल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स डेट लिव इन वाटर। जो ऑक्सीजन गैस होती है वो पानी में डिजोल्व हो जाती है क्योंकि वो जो प्लांट और एनिमल होते हैं जो वाटर में रहते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है वाटर में डिजोल्व होना। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solid separated out from water. हमने जो एक्टिविटी 4 करते हुए नोटिस किया था कि जो insoluble solids हैं वो पानी में से जब सेपरेट किए थे। You may have also noticed this with some liquid in activity 5. हमने एक्टिविटी 5 में भी कुछ लिक्विड के साथ किया है कि ये ऊपर से तैर रही है, मतलब फ्लोट कर रही है, और कुछ कुछ होती है जो सिंक कर जाती हैं। सम ऑफ दीज मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस। वाटर जो मटेरियल जो चीज़ें उसमें डिजोल्व नहीं होती वो पानी में फ्लोट भी करती है और सिंक भी हो जाती है। अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर। और कुछ हैं जो संक हो जाती है तो वो यहाँ बॉटम में रह जाती है उस टम्बलर के। ये क्या हो गया? राइट, वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट डेट फ्लोट इन वाटर और सिंक। फिगर 4.6। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जो सिंक पानी में फ्लोट करते हैं या सिंक। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड अ स्टोन डेट यू थ्रो इन द पॉन्ड। और जो हम ऐसे लीव्स है जो पॉन्ड में फेंक देते हैं, जो हम पत्थर पानी में फेंक देते हैं। ये फिगर 4.6 में भी देखा हुआ है कि इनमें से कुछ तो हैं वो इसमें सिंक कर रहे हैं और कुछ फ्लोट कर रहे हैं। ड्रॉप्स ऑफ हनी डेट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर व्हाट हैपन्स टू ऑल ऑफ दिस। तो इन सब के साथ क्या आएगा जो आपने ये इतनी चीज़ें पानी में डाल दी हैं। Bujo would like you to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water. What about testing these same materials to see if they float or sink into liquid like other liquid like oil? तो ये बुजो आपको 5 एग्जाम्पल्स सबके देगा जो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेंगे और सिंक करेंगे ऑब्जेक्ट में। तो हम इसको टेस्ट करके देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि ये फ्लोट और सिंक करेंगे, जैसे कि कुछ ऑयल। नाउ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने हाइड एंड सीक का गेम जरूर खेला होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो डैट यू आर नॉट सीन बाय अदर। आप कुछ ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर आप छुप सकते हो और चीज़ें नहीं और लोग आपको ढूंढ नहीं सकते। वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस? आपने उन प्लेसेस को क्यों ढूंढा? वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो। क्या आपने कभी ग्लास विंडो में के पीछे छुपने की ट्राई किया है? Obviously not, as your friends can see through that and spot you. जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आप उसको देख सकते हैं अगर आप ग्लास विंडो के पीछे छुपोगे तो। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स? क्या आप इन मटेरियल्स के सबके आर पार देख सकते हो? ट्रांसपेरेंट। सब मटेरियल्स दो सब्सटेंसेस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। फिगर 4.7। जिन मटेरियल के थ्रू देखा जाता है उन मटेरियल को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जैसा कि फिगर 4.7 में दिखाया हुआ है। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जो हवा, पानी, वायु और ये ग्लास वगैरह होते हैं, ये कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं। शॉपकीपर यूजली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास। जो हम शॉपकीपर्स होते हैं वो जो कुछ ईटेबल्स, स्वीट्स, बिस्किट वगैरह होते हैं उनको ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखते हैं, ग्लास के या फिर प्लास्टिक के। सो डैट बुयर्स कैन ईजिली सी दीज आइटम, तो जिनको ये खरीदना होता है वो ईजिली उन आइटम्स को देख सके। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, तो जिन और कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते, उनको हम ओपेक मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? ओपेक। These material are called opaque. इन मटेरियल को ओपेक कहते हैं। यू कैन नॉट टेल वट इज़ कैप्ड इन क्लोज्ड वुडन बॉक्स, अ कार्डबोर्ड कार्टन और अ मेटल कंटेनर। आप ये नहीं बता सकते कि एक क्लोज्ड वुडन बॉक्स के अंदर क्या रखा है, एक कार्डबोर्ड के कार्टन के अंदर क्या रखा है और एक मेटल कंटेनर के अंदर क्या रखा है। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल्स। ये जो कार्डबोर्ड होते हैं, मेटल वगैरह, ये ओपेक मटेरियल्स के एग्जाम्पल होते हैं। Do you find that we can group all materials and object without any confusion as either opaque and or transparent? हम इन materials को easily group कर सकते हैं बिना किसी confusion के, जैसे कि opaque को अलग group में और transparent को अलग group में। So leftover chapter we will continue in part 4. So if you like this video, please like it, share it, comment it, and don't forget to subscribe it. Bye friends.